नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी। आप देख रहे हैं ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। तो आज की मेरी जो रेसिपी है बहुत ही कुरकुरी, बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े की रेसिपी। यूँ तो पकौड़े हम लोग बहुत तरह से बनाते हैं, सब्जियों से बनाते हैं, प्याज के पकौड़े बनाते हैं, पर आज की जो है ये मेरे खास पकौड़े जो हैं ये मसूर की दाल से बनाए हुए हैं। तो दाल तो वैसे ही हेल्दी होती है, तो ये पकौड़े बनाइए। आप स्टार्टर की तरह से बना के रखिए या शाम की चाय के साथ बनाइए, हर तरह से बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि दाल को, मसूर की दाल को मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया था, तो दाल फूल गई है। उसको धुल के मैंने इस तरह से ले लिया है। ये देखिए दाल बहुत अच्छे से भीग के और फूल चुकी है, देखिए बहुत अच्छे से। तो इसको करना क्या है, ग्राइंडर में डाल के और थोड़े पानी के साथ पीस लेना है, थोड़ा सूखा सूखा ही रहे तो इसको पीस लेना है हमें। तो कुछ इस तरह से पेस्ट हमें मिल गया मसूर दाल का, तो आप देख लीजिए ये बिल्कुल इस तरह से एक गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट है। ये थोड़ा मोटा और दरदरा हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। इस तरह से तैयार कर लेना है हमें। और अभी इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं। थोड़ा जीरा ले लेते हैं इसे, और हींग है ये थोड़ी सी, और थोड़ी हल्दी, और ये कटे हुए कुछ प्याज और धनिया की पत्ती, ये सब चीज़ें हैं। तो ये प्याज जो है ये थोड़े हरे प्याज की डंडी है, और नॉर्मल जो प्याज हम खाते हैं सब्जियों में वो वाला प्याज है, महीन काट लिया है। ये हरे वाले प्याज के नीचे वाला है पोर्शन, और ये हरी मिर्ची है, थोड़ी सी अदरक है, थोड़ी अदरक है ये, और ये हरे प्याज की पत्तियाँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर हो तो ज़रूर डालें, और नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दें। और ये धनिया की पत्ती है बहुत सारी, तो इन सबको डाल के अच्छे से और मिक्स कर लेना है हमें। और ये है हरी मिर्च का और लहसुन का पेस्ट, ये भी ज़रूर डालें, इससे चटपटा हो जाता है, थोड़ी पकौड़ी जो है वो चटपटे बनेंगे हमारे। तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ठंडी के मौसम में गरम गरम चाय के साथ ये गरम गरम पकौड़े बहुत ही अच्छे जाएंगे, तो आप इसे बनाइए। और अगर डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप तवे पे भी टिक्की की तरह से इसे सैलो फ्राई कर सकते हैं। तो नमक थोड़ा कम था, टेस्ट करके मैंने फिर से इसमें थोड़ा डाला, तो आप लोग भी पहले से टेस्ट करके और नमक को ठीक कर लिया करें। इस तरह की किसी भी रेसिपी में सही रहता है। तो अभी तेल मैंने गरम कर लिया था, तो मैंने सरसों का तेल लिया है। आप जो भी तेल यूज़ करते हो, खाते हो, वो तेल यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल हो उसमें भी। तो तेल को मैंने पहले हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया था, फिर उसे लो टू मीडियम पे कर दिया ताकि ये हमारे पकौड़े अंदर तक पक जाएं। तो ये देखिए करीब करीब तैयार हो गए हैं हमारे पकौड़े, तो काफ़ी हल्के हो जाते हैं ये फ्राई होने के बाद, तलने के बाद। इन्हें बनाइएगा ज़रूर, ये अंदर से सॉफ्ट, थोड़े खोखले से, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची होते हैं, तो मज़ा ही आ जाने वाला है खाने में। तो आप इस ठंड में ज़रूर बनाइएगा, और हरी प्याज के साथ तो क्या बात है। तो ये तैयार है, थोड़ा सा और हम फ्राई करेंगे इसे। इसी तरह से सारे पकौड़ों को हमें फ्राई कर लेना है, और इसके बाद आप खाने के साथ, शाम की चाय के साथ, किसी भी टाइम आप बना के और इसे खाइए, खिलाइए। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही आगे रेसिपी अच्छी अच्छी लाने में मदद मिलती है। तो फिर देखते रहिए ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। आपसे फिर मिलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। बाय।